हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स दाल फ्राई, जो बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही आसान है। तो अभी आप सबको पता है लॉकडाउन चल रहा है, तो हम बाहर से सब्जी नहीं ला सकते, तो दालें हैं हमारे घर में एट टाइम अवेलेबल रहती है, तो हम बना सकते हैं बड़े आसानी से और बहुत टेस्टी लगती है ये, अगर आप इसको इस तरीके से बनाते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे तीन तरह की दाल ली हैं। तो मैंने यहाँ पे चने की दाल, अरहर की दाल और मूंग की दाल ली है, बिना छिलके वाली ही हैं तीनों दालें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कुकर के अंदर पानी चढ़ा दिया था पहले से। पानी थोड़ा सा गर्म होने के बाद में मैंने इसके अंदर जो मैंने तीनों दालें ली थी, आधी आधी कटोरी के करीब मैंने यहाँ पे तीन दाल ली थी, तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी आधी छोटी चम्मच नमक, और इसी के साथ मैं यहाँ पे डालूँगी आधी छोटी चम्मच के करीब ही हल्दी पाउडर, ताकि बहुत सुंदर सा कलर आ जाए हमारी दाल के अंदर। और अब हम इसके अंदर डालेंगे रिफाइंड ऑयल, या फिर कोई भी ऑयल डाल सकते हो, सरसों का ऑयल भी डाल सकते हो, रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हो, बिल्कुल थोड़ा सा, लगभग एक छोटी चम्मच के करीब। रिफाइंड ऑयल हम इसी लिए डालते हैं कि दाल है वो बिल्कुल खिली खिली उबले हमारी, और उफने भी नहीं, थोड़ी सी बाहर ना आए, वरना दाल है वो बाहर आ जाती है सिटी के साथ ही। तो ये देखिए, बिल्कुल थोड़ी सी दाल आई है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हमारी दाल है। मैंने यहाँ पे लगभग तीन से चार सीटी लगवा ली है, इसके तीन चार सीटी के अंदर हमारी दाल है वो बिल्कुल उबल के रेडी हो चुकी है और अच्छे से घुल भी चुकी है, बहुत ही प्यारा कलर आया है इसका। तो चलिए अब हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो मैंने एक पैन लिया, उसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है लगभग दो छोटी चम्मच के करीब, और इसके अंदर मैंने जीरा डाल दिया है। जीरे को थोड़ा सा गर्म होने, ब्राउन होने के बाद मैंने यहाँ पे एक प्याज जिसको मैंने कट कर लिया था वो डाल देंगे, और इसी के साथ मैंने यहाँ पे दो हरी मिर्ची ली थी वो कट करके भी डाल देंगे। तो हरी मिर्ची कट करके डाल दी है, प्याज और हरी मिर्ची को हमें थोड़ा सा हल्का फ्राई कर लेना है। तो अगर हम इस तरीके से दाल, एक तो दाल डायरेक्ट भी बनती है कि सभी चीज़ें एक साथ में डाल देते हैं, लेकिन हम तड़के वाली दाल बहुत टेस्टी बनती है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन का पेस्ट और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और हम अब डालेंगे इसके अंदर एक, मैंने यहाँ पे बड़े साइज़ का टमाटर लिया था जिसको मैंने कट करके रखा था, वो डाल देंगे एक टमाटर, और इसको भी कर देंगे अच्छे से मिक्स। और मसालों की बात आती है तो मैंने यहाँ पे नमक और हल्दी पहले ही डाल दिए थे। अब हम डालेंगे इसके अंदर एक छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और एक छोटी चम्मच ही हम डालेंगे यहाँ पर धनिया पाउडर, और बस अब हम सभी मसालों को अच्छे से पका लेंगे। तो तड़के वाली दाल बहुत टेस्टी बनती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना तड़के वाली दाल बनाना, बहुत टेस्टी अच्छी बनती है, सबको बहुत पसंद आती है। अक्सर ये चावल के साथ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, और चपाती के साथ भी अच्छी लगती है। तो ये देखिए, मैंने सभी मसाले भी डाल दिए हैं इसके अंदर और सभी को अच्छे से पका लिया है। तो तड़का हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, इधर हमारी दाल भी बिल्कुल अच्छे से उबल के रेडी हो गई है। अब हम क्या करते हैं, जो तड़का बनाया था वो हम दाल के अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम इसके अंदर बस सीटी लगवाएंगे, मैं यहाँ पे लगभग दो सीटी लगवाऊंगी ताकि मसाले और दाल है वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ऐसे अगर आप दाल बनाते हो तो बहुत टेस्टी बनती है, एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छी बनती है। और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने जो बनाई वो कैसी बनी। तो ये देखिए, दो सीटी के बाद में हम देखते हैं कि हमारी दाल है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बहुत ही शानदार बनी है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है इसमें। और चलिए मैं इसको अलग बर्तन में निकाल देती हूँ। तो हमारी दाल को मैंने अलग बर्तन में निकाल दिया है, ये देखिए दाल बन के रेडी हो चुकी है, बहुत ही मज़ेदार दाल बनी है और मिक्स दाल बहुत टेस्टी बनती है। एक बार आप भी ज़रूर बनाना और मुझे ज़रूर बताना कि कैसी बनाई। तो ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और उसके पास में जो घंटे का निशान है उसको ज़रूर दबाना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी मेरी ये वीडियो आपको। तो ओके फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में एक बार फिर से एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।